एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर मैं एक और नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो आप देख रहे हैं, आज मैं बना रही हूँ काले चने और आलू की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हम चने यूज कर रहे हैं और चने में आयरन बहुत ज्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आलू को उबाल लिया पहले से और इसे कट कर लिया है। अगर आप ऐसा करके सब्जी बनाएंगे तो फटाफट से आपकी सब्जी बन जाएगी। और ये लिए है मैंने काले चने, इनको भी मैंने थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लिया है। ये लिया प्याज। आप इस सब्जी में प्याज को छोटा छोटा काट कर यूज करें, पीस कर यूज ना करें, इससे सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। और ये लिया है टमाटर। टमाटर को यहाँ पर मैंने पीस कर लिया, जिसके अंदर मैंने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की दो तीन कलियां उनको भी साथ ही इसमें पीस लिया है। तो यहाँ पे मैं इस सब्जी को बना रही हूँ कुकर में। ये उबले हुए आलू और चने हैं, तो ये कुकर में बनने में इसे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी से बन जाएगी। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें मैंने घी डाल दिया है जो कि गर्म हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। जीरा मैं यहाँ बहुत ही कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ। आप इसे बिना जीरे के भी बना सकते हैं। जैसे जीरा तड़क जाएगा इसमें मैं डालूंगी हींग, थोड़ी सी हींग भी अब हमारी तड़क गई। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज और इन्हें अच्छे से भून लेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक। ब्राउन हो गए हैं, अब इसके अंदर मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि तीखी नहीं होती है, सिर्फ सब्जी का कलर के लिए यूज की जाती है। इससे सब्जी का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें डाल देंगे हम ये टमाटर जिसे हमें पीस के रखा था। टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन और अदरक है इसके अंदर, और इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। तो टमाटर भी बहुत अच्छे से भून गए हैं। आप देख रहे हैं कि टमाटर ने और प्याज ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये कि हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये चने, आलू। तो आप इन दोनों चीजों को उबालकर सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी से बन जाती है, झटपट से। और मैं इसे कुकर में बना लूंगी तो और भी ज्यादा जल्दी बन जाएगी। इसे अब थोड़ा सा हिला लेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मसाले। तो मैं इसे तरी की सब्जी बना रही हूँ, आप इसे सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर ये डालूंगी मैं धनिया पाउडर। इसे मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में डालूंगी, क्योंकि आलू की अगर कोई आप चीज बनाते हैं उसमें अगर धनिया पाउडर डालते हैं या धनिया डालते तो उससे उस सब्जी का टेस्ट काफी बढ़ जाता है। या किसी भी रेसिपी का हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी पहले से पीस के रखी हुई है। तो बिल्कुल थोड़ी सी डाल रही हूँ उसमें लाल मिर्च। और इसके अंदर अब डाल दूंगी पानी। और इसे कुकर को बंद करके 2 व्हिसल आने तक हम इसे पका लेंगे। सिर्फ ये 2 व्हिसल में ही बन जाएगी। तो 3 व्हिसल आने के बाद और इसका प्रेशर निकलने के बाद मैं कुकर को लूंगी खोल। तो आप देख रहे हैं सब्जी कितनी बढ़िया सी बन गई है। देख रहे हैं, अगर हम आलू को उबाल के बनाते हैं तो ये सब्जी बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये आलू और काले चने की सब्जी बनकर तैयार है। तो इसमें हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि हम आलू को और उनको उबाल के बनाएंगे, पहले से उबाल के रखेंगे तो सब्जी बहुत जल्दी बनेगी, और फिर ऊपर से हमने इसे कुकर में भी बनाया तो और भी जल्दी बन गई। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। धनिया का इसमें अच्छे से यूज करें, क्योंकि आलू की कोई भी हम अगर डिश बनाते हैं तो उसमें हमें धनिया का ज्यादा यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ती। तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया, आप इसे चावल, रोटी या पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये आलू और चने की सब्जी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।